हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20th ऑफ अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 4 to 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। अभी जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो रहा है उसमें 10 मार्क्स से करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम में अब बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन रहेगा हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर 20th ऑफ अगस्त 2018 पर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज का क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का गठन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने सही आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ अमेरिका ने किया है तो अमेरिका की इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केरल को सहायता प्रदान करने के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकालीन समिति के गठन का आदेश दिया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इसका आंसर यूएई है तो यूएई के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यूएई की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है। अब म्यांमार इसका आंसर है तो म्यांमार के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिताओ। म्यांमार की जो करेंसी है वो है बर्मेसे ख्यात। ठीक है फ्रेंड्स, और म्यांमार की जो प्रेसिडेंट है वो है विन मिंट। ठीक है फ्रेंड्स, विन मिंट। तो इतने पॉइंट आपको म्यांमार से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस कंपनी के CFO एंड MD ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। इन्फोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फोसिस कंपनी के CFO एंड MD रंगनाथ ने इस्तीफा दिया है। और यहाँ CFO एंड MD का मतलब है, MD का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इन्फोसिस इसका आंसर है तो इन्फोसिस का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इन्फोसिस की जो स्थापना हुई है वो ये 7 जुलाई 1981 में। इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इन्फोसिस के जो CEO हैं वो है सलील परेख। और इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो है नंदन नीलेकानी। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इन्फोसिस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमरान खान। इमरान खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये 22वें नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, ये 22वें नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अब पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है ममनून हुसैन। तो इतने पॉइंट आपको पाकिस्तान से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं UIDAI। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब UIDAI का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और UIDAI का जो लॉन्च ईयर है वो है 2009 और ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो चेयरमैन है वो है J. सत्यनारायण। ठीक है फ्रेंड्स, J. सत्यनारायण। तो इतने पॉइंट आपको UIDAI से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किस राज्य से बाघ को लाकर छोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से मादा बाघ जिसका नाम है सुंदरी, ठीक है फ्रेंड्स नाम आप याद रखें सुंदरी, मादा बाघ सुंदरी को सतकोसिया टाइगर रिजर्व में लाकर छोड़ा गया है। अब सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उड़ीसा में, ठीक है फ्रेंड्स उड़ीसा में। अब यहाँ उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों की बात हो रही है तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। अब उड़ीसा के पॉइंट्स देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और उड़ीसा में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री ने 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के साथ विचार विमर्श करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ने 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आने की घोषणा की है। अब चीन इसका आंसर है, तो चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। चीन की जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग, और चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो है वेई फेंग। ठीक है फ्रेंड्स एक बार रिपीट करता हूँ, वेई फेंग। चलिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशियस। मॉरिशियस इसका राइट आंसर है। पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन मॉरिशियस में किया गया है। अब मॉरिशियस इसका आंसर है, तो मॉरिशियस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। मॉरिशियस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियंस रूपी, और मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रविंद जुगनौथ। ठीक है फ्रेंड्स प्रविंद जुगनौथ, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खाद प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में। ठीक है फ्रेंड्स तंजावुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है वो है इद्दापदी के पलानीसामी, और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने WHO पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशक SK अरोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स SK अरोड़ा ये आपको याद रखना है, इन्होंने WHO पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स WHO पुरस्कार जीता है। अब दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाइजाल। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहाँ WHO की भी बात हो रही है तो WHO के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की जो स्थापना हुई है वो ये 7 अप्रैल 1948 को, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO के जो हेड है वो है टेड्रोस अदानोम। तो इतने पॉइंट आपको WHO से याद रखने। अब फ्रेंड्स हमने जितने भी पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं उसका हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और रिविजन जरूर देखें, जिससे आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में केरल को सहायता प्रदान करने के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकालीन समिति के गठन का आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। UAE का राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब UAE का आंसर है, तो UAE के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। UAE की जो कैपिटल है वो है आबू डाबी। UAE की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और UAE के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने।
नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब म्यांमार इसका आंसर है तो म्यांमार के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिताव, ठीक है फ्रेंड्स। और म्यांमार के जो करेंसी है वो है बर्मेसे क्यात, और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है वो है विन मिंट, ठीक है फ्रेंड्स, विन मिंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस कंपनी के CFO एंड MD ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। इन्फोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फोसिस कंपनी के CFO एंड MD रंगनाथ ने इस्तीफा दिया है। CFO का जो फुल फॉर्म है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और MD का जो फुल फॉर्म है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ इन्फोसिस की बात हो रही है तो इन्फोसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इन्फोसिस की जो स्थापना हुई है वो ये 7 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इन्फोसिस के जो CEO है वो है सलील परेख, और इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो है नंदन नीलेकानी, ठीक है फ्रेंड्स, नंदन नीलेकानी। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमरान खान। इमरान खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये 22वें नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है ममनून हुसैन। तो इतने पॉइंट आपको पाकिस्तान से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसने फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI, ठीक है फ्रेंड्स, UIDAI। अब UIDAI का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। और इसका जो लॉन्च ईयर है वो है 2009, और इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा, और इसके जो चेयरमैन है वो है जे सत्यनारायण, ठीक है फ्रेंड्स। इतने पॉइंट आपको UIDAI से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किस राज्य से बाघ को लाकर छोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से मादा बाघ जिसका नाम है सुंदरी, क्या नाम है, सुंदरी नाम है, को सतकोसिया टाइगर रिजर्व में लाकर छोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों की बात हो रही है तो दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री ने 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के साथ विचार विमर्श करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ने 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आने की घोषणा की है। अब चीन इसका आंसर है तो चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग, चीन के जो रक्षा मंत्री वो है वेई फेंग, ठीक है फ्रेंड्स। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशियस। मॉरिशियस में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अब मॉरिशियस में किया गया तो मॉरिशियस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, मॉरिशियस के जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रूपी, और मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रवीण जुगनौथ, प्रवीण जुगनौथ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में खाद प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में। तंजावुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए।
तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, तमिलनाडु के जो सीएम है वो है इद्दापद्दी के पलानी सामी, और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने WHO पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशक SK अरोड़ा, ये नाम आपको याद रखना है, SK अरोड़ा ने WHO पुरस्कार जीता है। अब यहाँ दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ WHO की बात हो रही है तो WHO के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की जो स्थापना हुई है वो ये 7 अप्रैल 1948 को, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO के जो हेड है वो है टेड्रोस अदनोम। ठीक है फ्रेंड्स, टेड्रोस अदनोम। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, और फ्रेंड्स आपका जो भी सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। अगर कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।